से खिलता रहता है। देखिए नीचे से खिला था और स्टार्ट होते होते ऊपर तक। देखिए कटिंग हमारी लग चुकी है, अब हमने इसको पानी देके सेमी सेड में रखना है। एक बार जब ये खिलना स्टार्ट हो जाता है तो ये महीने तक इसी तरह से। नमस्ते, स्वागत है आपका गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में। आज बात कर रही हूँ इस खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट। इस प्लांट को क्रोसेंड्रा या अबोली या फिर फायर क्रैकर भी बोला जाता है। कंप्लीट केयर आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसकी केयर कैसे मैं करती हूँ और कौन सा फर्टिलाइजर इससे देती हूँ सभी आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसे आप कटिंग से या फिर बीज के जरिए लगा सकते हैं। बहुत अच्छा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, साल भर हमारे पास ये बना रहता है। समर सीजन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, पर विंटर सीजन में जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में ये फ्लावरिंग नहीं करता है। और फरवरी आते आते इसमें बर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, तो तब से देखिए इतनी ज्यादा फ्लावरिंग ये कर रहा है। अब ये अक्टूबर नवंबर के महीने तक फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद जब ठंड बहुत तेज होने लगती है उस समय प्लांट हमारा बना रहता है पर फ्लावरिंग नहीं करता है। इसीलिए इस प्लांट को आप भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है तो अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी कटिंग लगाने का तरीका भी बताऊंगी। नर्सरी में थोड़ा ये कॉस्टली मिलता है, मुझे उस समय ये 200 रुपए में शायद मिला था, तब काफी छोटा था ये प्लांट। अब तो ये प्लांट काफी बड़ा हो गया है, तो अगर आपको कहीं से इसकी कटिंग मिलती है तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इतनी हैवी फ्लावरिंग के लिए मैं अपने प्लांट की केयर कैसे करती हूँ और इसे कैसे लगाया जाता है सभी आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका फ्लावरिंग सीजन मार्च से अक्टूबर नवंबर तक का है। विंटर सीजन में ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है पर पूरे साल ये प्लांट हमारे पास बना रहता है। तो अब बात करते हैं मैं इसे हैवी फ्लावरिंग के लिए मैं इसमें क्या डालती हूँ। मैं अपने सारे ही प्लांट में साल में 2 बार वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ और साथ में इसमें भी उसी समय मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था। और जैसे अब फ्लावरी का महीना आया तो मैंने इसमें आधा चम्मच एनपीके डाल दिया था, जिससे काफी ज्यादा फ्लावरिंग होती है। और मैं अपने सभी पौधों में अपने घर की बनी हुई खाद यानी लीव कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट से बनी हुई जो हमारी खाद होती है उसे डालती हूँ, और उनके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती। इसकी सॉइल में मैंने मिलाया था थोड़ा रेत, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली जब मैंने इस प्लांट को लगाया था। मैंने इस प्लांट को 2-3 घंटे की धूप वाली जगह पे रखा है, तो देखिए आप रिजल्ट आपके सामने है कितनी भर भर के ये फ्लावरिंग कर रहा है हमारा प्लांट। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ, इस पौधे को मैंने खुद से ग्रो नहीं किया है, इसे मैंने नर्सरी से लाई थी करीब 2 साल पहले। तो लास्ट ईयर की वीडियो मार्च अप्रैल में कटिंग से लगने वाले पौधों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें भी आप इस प्लांट को देख सकते हैं। इसी तरह से ये फूलों से भरा हुआ है। तो ये छोटे से पॉट में मुझे मिला था, उसके बाद मैंने इसे 12 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दिया और साल में 2 बार अपने सभी पौधों में इसमें भी दिया था। सभी नॉर्मल गोबर की खाद में इन्हें देती हूँ। और उसके बाद जब फूलों का सीजन आता है उससे कुछ टाइम पहले मैंने आधी चम्मच करीब एनपीके मैंने इसमें डाला था। और फ्लावरिंग सीजन से पहले सभी फूलों वाले पौधों में आप डाल के देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो मेरी किचन कंपोस्ट से बनी हुई खाद होती है उसे भी कभी कभी मैं इसमें डालती हूँ। तो बात होगी फर्टिलाइजर की, मैं इतने फूलों के लिए मैंने अपने प्लांट में क्या फर्टिलाइजर दिया तो मैंने ये बता दिया आपको। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे कैसी जगह पे रखा है। मैंने इसे रखा है जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप रहती है, पूरे दिन की धूप वाली जगह पे मैंने इस पौधे को नहीं रखा हुआ है। मॉर्निंग की धूप वहाँ पे रहती है 2-3 घंटे की, ऐसी जगह पे मैंने इसे प्लेस किया है। तो देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आया है। फ्लावरिंग सीजन में इसमें हमें डेली पानी देना होता है। अब मैं बात कर रही हूँ इसका फ्लावरिंग सीजन, तो इसमें आते हैं मार्च अप्रैल से इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने तक इस पौधे में फूल रहते हैं। से जाके आपको ये प्लांट दिखाती हूँ, देखिए कितनी ज्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। पॉट हमारा नजर भी नहीं आ रहा है इसमें। तो देखिए ये है क्ले पॉट, यह है मैंने इसके लिए 12 इंच का क्ले पॉट है और फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। मैं इसे लगाने का तरीका भी आपको दिखाऊंगी, देखिए कितनी ज्यादा फ्लावरिंग इसमें हो रही है। इसे आप इसे कटिंग के जरिए भी लगा सकते हैं, आप इसे बीज के जरिए भी लगा सकते हैं। देखिए ये इसके बीज हैं, जब ये सूख जाता है
इसके बीजों को हम डाल के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अभी ये बीज तैयार नहीं हुआ है, ग्रीन है, अभी इसमें बीज नहीं बने हैं, तो मैं आपको कटिंग से लगा के दिखाऊंगी। तो देखिए इस यहाँ सभी ये सारे ही इसके बीज हैं। बहुत कम केयर में चलने वाला फूलों वाला पौधा है अबोली, इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। देखिए फूलों की बरसात से इस पौधे में होगी, पत्ते कम फूल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक बार लाएंगे तो ये आपके पास करीब 4-5 साल तो ये प्लांट आपके पास बना रहेगा। फूल देखिए कितने सुंदर हैं इसके। नीचे की पेटल सूख गई है और ऊपर से फूल हमारा बना हुआ है। ऊपर 150 तक आपको ये प्लांट मिल जाएगा नर्सरी में। बहुत खूबसूरत प्लांट है। देखिए यहाँ से गिरे तो ऊपर से फिर से निकलने लग गया। इसी तरह एक बार खिलने के बाद 1 महीने तक इसका फूल इसी तरह से बना रहता है, और जैसे ही कुछ दिन बंद होती है फ्लावरिंग, उसके के कुछ दिनों बाद ही फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए बेस्ट प्लांट है अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। अगर आपके एंट्री डोर पे धूप है वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा एंट्री पे रखा हुआ नेचुरल फ्लावर पॉट। अब बात करते हैं इसकी कटिंग को कैसे लगाएं, कितनी बड़ी कटिंग इसकी लेनी चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। पॉट में कहीं पर भी खाली ब्रांच मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतने फूल इसमें खिले हुए हैं। इस पॉट में मैंने लिए है नॉर्मल गार्डन सॉइल और साथ में रेत मिक्स किया है, और अभी मैंने इसमें मिक्स किया है सिर्फ नीम खली। कुछ दिनों में डालूंगी, अभी मेरे पास बर्मी कंपोस्ट कटिंग लगाने के लिए तो ज़रूरी भी नहीं है बर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो नमी रखने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ इसमें नीम खली डाली है। नीम खली मिट्टी में फंगस लगने से बचाती है। तो देखती हूँ कहाँ पर इसमें कटिंग मुझे मिलती है। मुझे अभी कट करने का दिल नहीं कर रहा है, बस आपको दिखाने के लिए मैं कुछ कटिंग इसमें से लेती हूँ। देखिए एक कटिंग ये मिल गई है नीचे से छोटी सी। बड़ी कटिंग निकालने से काफ़ी सारे फूल भी निकल आ रहे हैं, तो एक मैंने फूल वाली कटिंग भी ले ली। अब इसे मुझे काटना ही पड़ेगा, फूल वाली कटिंग ले ली, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें फूल ना हो। तो हम इस तरह से पत्तियां नीचे की सब हटा लेंगे, ऊपर की टिप को रहने दीजिए और नीचे की सारी पत्तियां रिमूव कर लीजिए। नोड वाला एरिया देख सकते हैं, इसमें दो दो नोड हैं नीचे से, यानी जहाँ से रूटिंग होगी। इतनी कटिंग मैंने ले ली है, बड़ी कटिंग अभी मैं नहीं निकाल सकती इस पॉट से, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। कहीं पर भी इसमें कोई ब्रांच है हमारी बगैर फूलों वाली नहीं है। और मैंने ले लिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आप चाहें तो वीरा जेल या फिर रूटिंग हार्मोन्स भी इसमें लगा सकते हैं। मैंने हल्दी पाउडर लगा लिया है और नीचे की पत्तियां रिमूव करके इस तरह से लगा दिया है। अब थोड़ा पानी डाल दीजिए इसमें। पानी का खास ख्याल रखना है, जब नेक्स्ट टाइम पानी तभी देना है जब हमारी टॉप की लेयर सॉइल की सूखी नज़र आए। अपने इस पॉट में नमी हमेशा ही बनाए रखिए, अदरवाइज जैसे ही थोड़ी सी डेवलप होती हैं और पानी नहीं मिलता है तो वो कटिंग हमारी मर जाती हैं। तो देखिए कटिंग हमारी लग चुकी हैं और पानी डाल दिया मैंने इसे। अब मैं इसे सेमी सेड में रख दूंगी और 2-3 दिन के बाद मैं इसमें फिर से पानी डालूंगी। इसी तरह से आपने चेक करके ही पानी देना है, टॉप की लेयर आपको सूखी नज़र आए तभी इस पॉट में आपने पानी देना है। तो देखिए पास लाके आपको दिखाती हूँ कितनी छोटी कटिंग मैंने लगाई है, क्योंकि मेरे पॉट में बड़ी टहनियाँ जो थी सभी में फूल थे, इसीलिए मैंने छोटी छोटी कटिंग ली हैं इसकी। कटिंग हल्की ब्राउन कलर की लेनी है हमें, ग्रीन कलर की कटिंग जल्दी नहीं लगती हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, नॉलेजेबल लगा, तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।